हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल टुडे आर टॉपिक इज़ हेरल्ड आर हॉनबिल दिस स्टोरी इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड हेरल्ड आर लाइक टाइप ऑफ बर्ड एक तरह का बर्ड है रस्किन बॉन्ड कौन है रस्किन बॉन्ड एक ऐसे राइटर हैं जो बच्चों के लिए जाने जाते हैं रस्कििन बन्ड एंड इंडियन राइटर ऑफ ब्रिटिश डिस् बॉन्ड इज पॉसिबली इंडियंस बेस्ट नोन एंड मोस्ट वाइडली रेड ऑथर he started writing at an early age and since then his uh, he has constantly written stories that reflect life in the hill station and the Himalaya. Bond was awarded Padma Shri in 1999 and Padma Bhushan in 2014 in recognition of his contribution to the children's literature. उनको अवार्ड भी मिले हैं उनका जो बच्चों के लिटरेचर में बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन रहा है और ज़्यादातर जो उनकी स्टोरीज़ होती हैं हिमालय से रिलेटेड या बर्ड से वो वैसी ही होती हैं जो बच्चों को बहुत पसंद आती हैं सेम आज की कहानी में भी कुछ इस तरह से ही आज की स्टोरी भी एक ऑनविल एक बर्ड की है किस तरह से जो बर्ड है वो किस तरह से अपना घर अपना नेस्ट से गिर जाता है अपने घर से और एक नया घर उसे मिलता है ये तब की बात है जो जब जो राइटर है वो एक छोटा बच्चा था बहुत फैसिनेटिंग स्टोरी है ठीक है तो लेट्स रीड द चैप्टर देखते हैं किस तरह की है हैरल्स मदर लाइक ऑल गुड हॉर्नबिल्स जो हैरल्स की मदर थी वो बाकी हॉनबिल्स की तरह बहुत अच्छी थी एंड वॉज द मोस्ट केयरफुल वाइफ और वो एक मोस्ट केयरफुल वाइफ भी थी मीन्स अब उसके फ़ादर को कह रहे हैं वो एक मोस्ट केयरफुल वाइफ भी थी हिस फादर वॉज द मोस्ट ईजी गोइंग हसबेंड और जो उसके फादर थे बहुत ही ज़्यादा ईजी गोइंग हसबेंड थे इन जनवरी लॉन्ग बिफोर द फ्लेम ट्री फ्लार्ड हैरल्ड्स फादर टुक हिज वाइफ into a अ ग्रेट high हाई इन द ट्री ट्रंक उसके जो फादर हैं अभी जनवरी से पहले जो क्या था फ्लेम द फ्लेम ट्री फ्लार्ड मतलब जब वो येल्लो से ट्री येलो से फ्लार नहीं आना शुरू हो जाते तो वैसा मौसम आने वाला था जो उसके फादर हैं क्या करते हैं उसकी वाइफ को ग्रेट होल ट्री के सबसे टॉप पर ले जाते हैं ट्रंक सबसे टॉप पर ले जाते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं उसको जो उसकी वाइफ है जो हैरल्ड की मदर है उसे वहाँ पर एक होल सा बनाते हैं और वहाँ पर रखते हैं इन दिस वेदर बीटन हॉलो वेदर बीटन हॉलो मीन्स डैमेज बाय वेदर जो उनका हॉलो जो उनका हॉल है वो जो जिसमें वो रहते थे वो वेदर मतलब मौसम की ख़राबी की वजह से कैसा हो गया था बीटन डैमेज हो गया था हैरल्ड मदर वॉज एनक्लोज विद इन द होल बाय द स्टडी वॉल ऑफ अर्थ अब जो हैरल की जो मदर है उसे एक ऐसे होल में रखा जाता है स्टडी स्टडी मीन्स मजबूत एक वॉल बनाई जाती है दीवार बनाई जाती है किससे स्टिक ड मतलब मिट्टी से स्टिक से और डंग से काव डंग से वो पूरी वॉल बनाई जाती है हेरल्स फादर लेफ्ट अ स्मॉल होल इन द सेंटर ऑफ द वॉल टू अनेबल हिम टू कम्युनिकेट विद हिज वाइफ वेनवर ही फेल्ट लाइक अ चैट अब जो हैरल के फादर हैं जब उसको ओवर टॉप पर ले जाते हैं वो जब उसको टॉपर ले जाते हैं तो वहाँ पर उसका एक अलग से घर बना देते हैं और उस घर में जो कि किससे स्टिक से डंग से और मिट्टी से बना हुआ होता है तो क्या करते हैं बीच में होल कर देते हैं स्मॉल होल कर देते हैं सेंटर में क्यों ताकि जब भी उनका कम्युनिकेट करने का मन करे जब भी उन्हें लगे कि उन्हें कम्युनिकेट करना है या चैट करनी है तो वो उसके थ्रू कर सके वॉल्ड वॉप एंड इन हर कम अनकम्फर्टेबल रूम जो ये वॉल्ड थी मतलब ये जो चारों तरफ दीवार बनाई थी ये उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल सा रूम था हैरल्ड्स मदर वॉज प्रेजेंट प्रिजनर फॉर ओवर टू मंथ जो हैरल्ड की मदर थी उसे वहाँ पे दो महीने के लिए कैद किया गया था कैद वो वाली कैद नहीं है कि खाना ना मिले पीना ना मिले कैदी बन जानो वाली कैद है कि उसको क्या करना था उसको सेव करना था हैरल्ड की मदर को क्यों सेव करना था ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड एग वॉज लेट एंड हैरल्ड वॉज बॉर्न क्योंकि इस टाइम पे हैरल्ड के जन्म का टाइम था और वो एग देने वाली थी इसीलिए उसको वो एक सेफ प्लेस पर ले गए थे इन इन हिज नेक्ड बॉयहुड हेरल वॉज नो ब्यूटी अब वो जो हैरल का जन्म हो चुका है उस टाइम पे वो क्या है नेक्ड बॉयहुड नेक्ड मीन्स क्या होता है बिना कपड़ों का तो उसकी जो है इस जब वो जन्म ले चुका है लेकिन अब क्या है उसकी कोई ब्यूटी खास ब्यूटी नहीं है वो मतलब खास सुंदर नहीं है हिज मोस्ट प्रोमिसिंग फीचर वॉज हिज फ्लेमिंग रेड बिल मैचिंग द ब्लॉसम ऑफ द फ्लेम अच्छा वो जो ब्लॉसम ऑफ द जो फ्लार के जैसे ब्लॉसम होते हैं ना उसका एक प्रॉमिसिंग फीचर था कि उसकी जो बिल थी उसकी जो चोंच थी वो कैसी थी उससे मिलती थी किससे मिलती थी मैचिंग द ब्लॉसम ऑफ द फ्लेम ट्री मतलब वो कैसे होता है रेडिश रेडिश से होता है ना तो रेड उसकी वो थी विच वॉज नाउ ब्लेज हेरलजिंग द समर मतलब ब्लेज मींस की ब्राइट कलर से शाइन कर रही थी उसकी जो चोंच थी उसका एक प्रोमिसिंग फीचर था उसकी बॉडी में कि जो उसकी चोंच थी वो बहुत ही ज़्यादा शाइन करती थी और एक ब्लॉसम ट्री की तरह रेडिश थी अब क्या था समर आने वाला था इस समर का इंडिकेशन था कि अब समर आने वाला है ही हैड अ स्टमक दैट कूड नेवर बी फील्ड उसका जो स्टमक था वो कभी भी भरने में ही नहीं आता था मतलब बहुत ज़्यादा भूखा रहता उसको बहुत ज़्यादा भूख लगती थी डिस्पाइट द बेस्ट एफर्ट्स ऑफ इज पेरेंट्स हु ब्रॉट हम पीसीज ऑफ जैक फ्रूट एंड बेरीज फ्राम द बैनियन ट्री हालांकि उसके पेरेंट्स बहुत एफर्ट्स करते थे उसको जैक फ्रूट्स देते थे बेरीज देते थे लेकिन उसका जो पेट था वो भरने में ही नहीं आता तो बहुत भूख लगती थी जैसे कुछ बच्चों को लगती है ना बहुत ही भूख लगती है ऐसे इसको भी लगती थी एज ए ग्रूप बिगर जैसे वो बड़ा हुआ द रूम बिकम मोर क्राम्प जो रूम था वो थोड़ा सा क्रैम्प मीन्स अनकंफर्टेबल हो गया क्रैम्प मतलब दरारे भी पड़ गई एंड वन डे हिज मदर बर्स थ्रू द वॉल और एक दिन उसकी मदर क्या करती है उस रूम को तोड़ देती है ब्रश बर्स्ट कर देती है एंड स्प्रेड आउट हर विंग्स और अपने जो पंख है वो भात फैलाती है एंड सेल्ड ओवर द ट्रीट रूप और ट्री ट्रूप के ऊपर सेल करती है मतलब जैसे सेल होता है ना नाव सेल होती है इसी तरह से तैरना यहाँ पे उसका तैरना कहा गया है हर हस्बैंड वॉज ग्लैड टू सी हर और उसका हस्बैंड उसको, उसको देखे बहुत ज़्यादा खुश होता है बहुत ज़्यादा खुश होता है ही प्लेड विद हर एक्सप्रेसिंग हिज डिलइट विद डीप गर्गल्स एंड थ्रॉटी चकल्स अब वो उसके साथ खेलता भी और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है कैसे डीप गर्गल के होते हैं गड़ गड़गड़ की आवाज से थ्रॉटी चकल्स शकल होता है जैसे आपस में हम लोग थोड़ा सा मनी मन मुस्कुरा कर बुधबुदाते हैं ना उसी तरह से चकल्स मतलब यहाँ पे वो नहीं है कि मन में बुदबुताना मतलब तेजी से हंसना चहचाना ये यह यहाँ पे चकल है तो देन दे रिपेयर द वॉल ऑफ द नर्सरी सो दैट हैरल्ड वुड नॉट फॉल अब उसकी मदर तो यहाँ से निकल कर बाहर आ गई लेकिन वो उस नर्सरी में उस जगह पर हैरल्ड को अभी रखा गया है उसकी जो सेल है क्यों क्योंकि लाइक था कि वो क्या ना हो जाए हेरल वुड नॉट फेल आउट फॉल आउट हैरल्ड नीचे ना गिर जाए बाहर ना निकल जाए इसलिए वो उस इस जो नर्सरी थी वो जो क्रैम्प आ गए थे उसको क्या करते हैं रिपेयर कर देते हैं हेरल्ड है। वॉज क्वाइट हैप्पी इन हिज है सेल हैरल खुश था अपनी इस हेल्प है, इस सेल में एंड फेल्ट नो अर्ज और उसको कोई इतनी अर्ज क्या होता है इच्छा फॉर फ्रीडम उसको कोई इतनी इच्छा नहीं थी फ्रीडम की देन समथिंग टू चेंज द कोर्स ऑफ हिज लाइफ अब कुछ ऐसा होता है जो उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है किसकी हेरल्ड की ये देखो हेरल्ड की रेड ये बिल्ली कौन है पढ़ते हैं कौन है भाई वन आफ्टरनून ही वॉज फ्रॉम हिज से बाय अ लाउड थम्पिंग ऑन द वॉल एक दिन क्या होता है वो साइस्टा साइस्टा मीन्स क्या होता है शॉर्ट नैप जैसे हम दोपहर में थोड़ा सा सो जाते हैं तो वो एक दिन आफ्टरनून में वो जग जाता है अलाउड थम्पिंग थम्पिंग क्या होती है भारी आवाज़ ऑन द वॉल वॉल के पास एक किसी की भारी आवाज़ आती है जिससे कि वो जग जाता है आ साउंड क्वाइट डिफरेंट ये जो आवाज़ थी थोड़ी सी डिफरेंट थी फ्रॉम द मेड बाय हिज पेरेंट्स वो जो उसके पेरेंट्स की आवाज़ थी उससे ये काफ़ी डिफरेंट आवाज़ थी ये जो जिस किसी ने भी ये थोड़ी सी आवाज़ इसकी वॉल पर की थी सोन द वॉल गेव अवे एंड देर वॉज समथिंग लार्ज एंड येल्लो फ्री स्टारिंग एट हिम जल्द ही वो जो दीवार का जो एक हिस्सा था उसको वो हटा देते हैं और वो क्या देखते हैं कि उसको कोई फरी एक समथिंग लार्ज एंड येल्लो फरी स्टारिंग हिम उसको एक येल्लो से कलर की बड़ी सी बड़ा सा कोई घूर रहा होता है नॉट हिज पेरेंट्स बिल ये तो उसके पेरेंट्स नहीं है बट द हंग्री आइज ऑफ कीविट कैट किवेट कैट क्या होती है एक बहुत ही ज़्यादा शैतानी बिल्ली होती है वो कहते हैं कि ये तो कोई शैतानी बिल्ली थी जो उसको घूर रही थी बिफोर हैरल्ड कुड सीज हिज पेरेंट्स फ्लू एट द

इन द इन मिले Herald tumbled out of his nest and landed on our garden. इस सब शोर में इन सब डिस्टरबेंस में वो जो उन दोनों की फाइट हो रही है नॉइजी फाइट जो हो रही है इन सब में हेरल्ड जो होता है वो क्या गिर जाता है उस बिल से गिर जाता है और उनके गार्डन में पहुंच जाता है किसके गार्डन में नरेटर के गार्डन में जो राइटर है उसके गार्डन में पहुंच जाता है बिफोर द कैट ऑफ एनी बिफोर द कैट और एनी प्रीडेटर पहले कि कोई बिल्ली या द कोई दराना कोई उसके ग्रैंड उसे उठा लाते हैं और कहां पर रख देते हैं सेंचुरी में सेंचुरी ऑफ द वरानंदा वराना की सेंचुरी में सेंचुरी कैसे होती है आपने देखा आपको भी अपनी ग्रिल पर बैठे हो तो चौड़ी सी जो चौड़ी सी ना दीवार होती है उसको सेंचुरी कहते हैं ये लोग फेदर्स एंड ड नॉट लुक एज दॉ ही वुड बी एबल टू सर्वाइव ऑन हिज ऑन हेरल्ड के जो थे इस गिरने के चक्कर में जो गिरा है ऊपर से इसके कुछ फैदर्स जो हैं वो भी चले गए हैं और वो जो है ऐसा लग रहा है ऐसा दिख रहा है कि ही वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव ऑन हिज़ ऑन मतलब ख़ुद से शायद वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा सो वी मेड एन एनक्लोजर तो ये लोग क्या करते हैं उसके लिए एक एन्क्लोज़र बना देते हैं एन्क्लोज़र क्या होता है मतलब एक पिंजरे टाइप का बना देते हैं फॉर हिम इन आर फ्रंट वरानदा फ्रंट वरानंदे में उसके लिए एक एनक्लोजर बना देते हैं बिकॉज वो जो क्या होता है ही वुड ही वुड बी एबल टू सर्वाइव ऑन हिज ओन ऐसा दिख नहीं रहा था कि वो खुद पर सर्वाइव कर पाएगा इसलिए ग्रैंड फादर एंड आई टुक ओवर द ड्यूटीज ऑफ इज पेरेंट्स अब ग्रैंड फादर और मैं क्या करते हैं उसके पेरेंट्स की ड्यूटी ले लेते हैं मीन्स उसकी देखभाल करना उसके खाने पीने का ध्यान रखना हैरल्ड हैड सिंपल आउटलुक जो हैरल्ड था उसका बहुत सिंपल सा आउटलुक था एंड वंस ही हैड गॉट ओवर सम अर्ली अटैक ऑफ नर्व्स ही बिगेन टू वेलकम द अप्रोचेस ऑफ पीपल अटैक ऑफ नर्व्स का मीनिंग यहाँ पर क्या है फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी ओके उसका जो लुक था वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था और वंस ही हैड गॉट ओवर सम अर्ली अटैक्स ऑफ नर्व मतलब जैसे ही उसको कुछ एंगजाइटी सी फीलिंग होती थी मीन्स उसको कुछ भूख जैसी फीलिंग होती थी ही बिगेन टू वेलकम द अप्रोच ऑफ पीपल वो लोगों को अप्रोच करना शुरू कर देता था उन ग्रैंड फादर एंड आई मैन द अराइवल ऑफ़ फूड और जैसे ही उसके ग्रैंड फादर और वो फूड को लेकर आते थे ही ग्रीटेड वो स्वागत करता था असविदा क्रेनिक नैक क्वरिंग ओपन बिल एंड अ लाउड क्रॉकिंग काका कीकी मतलब वो उनका वेलकम करता था थावरिंग क्वि, है ये क्विर्ण, क्विर्ण होता था थरथराना नाचता था और अपनी गर्दन को इधर उधर घुमाता था और ट्र की आवाज़ निकालकर उनका स्वागत करता था काका कीकी -का की, -की, की आवाज़ में फ्रूट इंसेक्ट और एनिमल फूड एंड ग्रीन लीव्स वर ऑल वेलकम मतलब उसको जो भी दे दो वो सभी खा लेता था चाहे ग्रीन लीव्स हो चाहे फूड का एनिमल हो चाहे इंसेक्ट हो वट एवर वो सबको वेलकम करता था वी सोन डिस्पेंस्ड विद द एनक्लोजर बट हेरल मेड नो एफर्ट्स टू गो अवे ही हैड डिफिकल्टी डिफिकल्टी फ्लाइंग इन फैक्ट हीज टी राइट एटलीस्ट एज फार एज द वा वॉज कंसर्न मीन्स उसके जो ग्रैंडफादर और जो ये हैं छोटा बच्चा ये चाहते थे कि उसको यहाँ से आज़ाद कर दिया जाए डिस्पेंसरी मीन्स डि अवे विद ओके उसको एनक्लोजर से क्या कर दिया जाए फ्री कर दिया जाए बट जो हेरल्ड हेरल्ड मेड नो एफर्ट्स टू गो अवे लेकिन जो हेरल्ड था वो कुछ इस तरह के एफर्ट्स नहीं कर रहा था कि उसको यहाँ से जाना है मे भी हो सकता है कि अभी ही है डिफिकल्टी फ्लाइंग शायद उसको उड़ने में मुश्किल हो रही हो अभी इसलिए नहीं वो वहाँ से जाना चाहता था इनफैक्ट ही असर्टेड इज

एक दिन क्या होता है जो उनकी बरानदा पार्टी हो रही है अचानक से क्या हो जाती है डिस्टर्ब हो जाती है बहुत अजीब सी तरीके से कनवल जाइए वो डिस्टर्ब हो जाती है और किस तरह से डिस्टर्ब हो जाती है उसके फड़फड़ाने की आवाज़ से उसके ब्लैक एंड वाइट शोर की वजह से जो अपने पंख फड़फड़ाता है उसकी वजह से ये बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है एंड बी होल्ड द लास्ट एंड ओनली लॉफ ऑफ ब्रेड हैड बीन सीज बाय हेरल्ड एंड कैरी ऑफ ऑफिस पर्च नियर द सीलिंग क्यों वो क्या करता है एकदम से जो लास्ट ब्रेड का टुकड़ा उस पार्टी में होता है सीज मीन्स होता है छीन लेना वो उसको छीन लेता है और कैरेड ऑफिस पर जहाँ पर वो बैठा होता है सीलिंग पर उसको वहाँ पर ले जाता है और शुरू कर देता है खाना हेरल्ड वॉज नॉट ब्यूटिफुल बाय

कौन हेरल्ड हेरल्ड जब तक उनके घर में था उनकी उनकी फैमिली का एक बहुत अच्छा मेंबर बना हुआ था और सबके साथ गुड टर्म्स मींस उसका जो नेचर था सबके साथ बहुत कंफर्टेबल था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा था हैरल्ड्स बेस्ट फ्रेंड वाज हैरल्स बेस्ट फ्रेंड वर दो हु फेड हिम हेरल्ड्स के तो जो सबसे अच्छे दोस्त थे वो वही होते थे जो उसको खिलाते पिलाते थे एंड ही वॉज विलिंग इवन टू शेयर हिज फूड विद अस और वो मतलब विलिंगली ऐसा नहीं अकेले अकेले खाता था अपना खाना भी शेयर करना पसंद करता था विद अस हमारे साथ सम टाइम ट्राई टू फिड मी और कभी कभी तो मुझे अपनी जो ग्रेट बीक होती थी अपनी चोट से मुझे खिलाने की कोशिश भी करता था वेल आई टर्न डाउन हिज ऑफर्स ऑफ बीटल्स एंड सिमिलर डिलिशियस आई डिट ऑकेजनली शेयर आ बनाना विद हिम वो कभी कभी जो बीटल्स होते हैं बीटल्स क्या होता है शायद एक तरह का कीड़ा होता है वो उसको कभी कभी बहुत स्वादिष्ट चीज़ें ऑफर करता था वो उसको मना कर देता था रिजेक्ट कर देता था कौन जो राइटर है लेकिन वो उसके साथ बनाना जरूर कभी ना कभी शेयर करता था कभी कभी बनाना जरूर शेयर करता था ईटिंग वॉज अ सीरियस बिजनेस फॉर हैरल्ड हेरल्ड के लिए ईटिंग एक ऐसा सीरियस सा बिजनेस थी मीन्स लाइक क्या थी सीरियस बिजनेस लाइक मतलब उसको वो उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था एंड इफ देयर वॉज एनी डिले एट मील मील टाइम अगर खाने में कभी कोई देरी हो जाती थी ही विथ समन मी तो मुझे समन भेज देता कैसे समन भेजता था विद रिक बाग एंडोरिस बैंक ऑफिज बिल ऑन द वुड वर्क ऑफ द किचन विंडो मतलब ऊंची uh, सी आवाज़ निकालता था विगोरस में ज़ोरदार बैंक मतलब अपनी चोंच को वुड वुड की जो विंडो थी उस पर कट 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 मारता था था कि उस तक ये मैसेज पहुंच जाए कि मैं भूखा हूँ हैरल गिव मच टाइम एंड थाट टू हिज पर्सनल अपीयरेंस मतलब वो बहुत ज्यादा टाइम भी देता था और अपनी पर्सनल अपेयरेंस को भी हमेशा शो करता था जैसे कुछ होता है ना कि मुझे टाइम दो इस तरह से ही कैरीड आ रफ पॉट ऑन हिज पर्सन एंड यूज इट स्किलफुली एज एन आइटम ऑफ इस मॉर्निंग टॉयलेट उसकी बॉडी पर वो एक रफ रफ पॉट कैरी करता था उसके मतलब एक बर्थ मार्क कह सकते हो इस तरह का था वो उसको क्या करता था स्किलफुली यूज़ करता था किसके लिए कभी कभी मॉर्निंग टॉयलेट के लिए द रफ पॉट वॉज अ स्मॉल ग्लैंड सिचुएटेड अबव द रूट ऑफ इसल फे फैदर्स येस वो बर्थ मार्क जो है ना ये उसके कहाँ पर था ये जो उसके ये थी टेल जो थी ये जो उसके जो उसके पंख थे फेदर्स जो उसके पंख थे उसकी जो रूट थी उसके ऊपर सिचुएटेड थी इट प्रोड्यूस अ रिच येलो फ्लूड और ये ना रिच येलो कलर का फ्लूड प्रोड्यूस करती थी हैरल्ड वुड डिप इन टू हिज रफ पॉट और जो हैरल था वो उस रफ पॉट में अपने आप को डिप करता था और क्या करता था डिप करने के बाद टाइम टू टाइम टाइम टू टाइम उसमें खुद को डिप करता था एंड देन रब द कलर ओवर हिज फैदर्स एंड द बैक ऑफिस नेक वो जो येलो कलर का फ्लूड निकलता था ना उससे क्या करता था पूरे में अपने आप को रब कर लेता था और स्पेशली अपनी नेक के चारों तरफ उसको रब कर लेता था इट वुड कम ऑफ माई हैंड वेन एवर आई टच कभी ये न, राइटर कहता है मेरे भी हाथों में लग जाता था जब कभी मैं उसको टच करता था हेरल विद टॉय विद एनी थिंग ब्राइट और ग्लिटरिंग ऑफन स्वास्थ स्वेलोइंग इट आफ्टर वर्ड्स जो हैरल था ट्रॉय विद एनी थिंग मीन्स प्ले विद एनी थिंग कैसअली उसको कुछ भी मिल जाए वो उसी को क्या करता था ब्राइट और ग्लिटरिंग कुछ भी उसको चमकती हुई चीज़ें मिल जाए वो सबके साथ खेलना पसंद करता था ही लव बनाना एंड डेट्स एंड बॉल्स ऑफ बॉयल्ड राइस उसको बनाना बहुत पसंद थे डेढ़्स बहुत पसंद थी मीन्स खजूर और बॉयल्ड राइस की बॉल बनाकर उसको बहुत पसंद था खाना आई वुड थ्रो हिम द राइस बॉल मैं उसकी तरफ राइस बॉल को थ्रो करता था एंड ही वुड कैच दैम उसको कैच करता था अपनी बीक में इन हिज बीक टूज दैम इन द एयर एंड लेट दैम ड्रॉप इन टू हिज ओपन माउथ और वो क्या करता था कभी कभी टॉस भी करता था एयर में और वो अपनी बीक को ओपन करता था जो उसके मुँह में चीजें जाती थी ही परफेक्ट दिस ट्रीक ऑफ कैचिंग थिंग्स वो कैच करने में ना बड़ा माहिर था बड़ा परफेक्ट था इन एंड इन द टाइम आई टॉट हिम टू कैच टेनिस बॉल अब इसी टाइम पर जब वो उसको राइस बॉल फेंकता था तो इसी टाइम पर उसने उसको टेनिस बॉल भी कैच करना सिखाया थ्रू विद द सम फोर्स अ डिस्टेंस ऑफ फिफ्टीन यार्ड वो उसको थ्रो करता था कम से कम पंद्रह यार्ड की दूरी से ऑल दो हैरल नेवर सीम्स टू ड्रिंक एनी वाटर हालांकि जो हेरल्ड था वो ज़्यादा पानी पीते हुए तो कभी नहीं देखा गया लेकिन उसको रेन से बड़ा प्यार था वी ऑलवेज न्यू वेन इट वॉज गोइंग टू रेन बिकॉज हेरल्ड वुड स्टार्ट चकलिंग टू हिमसेल्फ अबाउट एन आवर बिफोर द फर्स्ट ड्रॉप अब सभी को पता चल जाता था कि बारिश आने वाली है क्यों क्योंकि जो हेरल्ड है उसे सबसे पहले एक घंटे पहले ही पता चल जाता था पहली ड्रॉप के एक घंटे पहले ही पता चल जाता था कि हाँ बारिश आने वाली है क्यों क्योंकि हेरल्ड जो है स्टार्ट चकलिंग चकलिंग मतलब होता है खुशी से आवाजें निकालना शुरू कर देता था वो इस तरह का मतलब बर्ड्स को पहले पता चल जाता है मौसम देख के एक्चुअली ये हेरल्ड है दिस यूज टू इरिटेट आंट्रूबी अब ये जो चीजें थी ना आंट्रूवी को बड़ा इरीटेट करती थी शी वॉज ऑलवेज बींग कॉट इन द रेन वो हमेशा बेचारी क्या है बारिश में फंस जाती थी हेरल्ड वुड बी चकलिंग वेन शी लेफ्ट द होम और जो द स्किन ही वुड बी इन द फिस्ट फिट्स ऑफ लाफ्टर अब हैरल्ड जो है वो आंट रूबी जब क्या होती थी बारिश में फंस जाती थी जब भी वो मतलब वापस आती थी तो ड्रांच मींस क्या होता है पूरी तरह से भीग जाना जब भी वो घर की तरफ वापस आती थी वो पूरी तरह से पानी में भीग जाती थी और ये सब देख कर क्या होता था जो हैरल्ड होता था वो बहुत ही ज्यादा हंसता था खुश होता था अस्ट्राम अस्ट्रॉन्ग क्लाउड वुड गैदर एंड गर्ड्स ऑफ विंड्स वुड शेक द बनाना ट्री हेरल वुड वेरी एक्साइटेड हैरल जो है इस मौसम को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता था जब क्लाउड्स आ जाते थे मतलब तूफान के क्लाउड्स इकट्ठे हो जाते थे और जो हवा है वो बहने लगती थी बनाना ट्रे हिलने लगते थे तो इस मौसम को देख के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता था एंड हिज चकल वुड चेंज टू एन एरी विसल और जो उसकी चकल थी वो एरी विसल में चेंज हो जाती थी वी 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 करके वो बोलना शुरू कर देता था ही वुड स्क्रीम एंड देन एट द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ द रेन हिट द दरानदा स्टेप और वो बहुत ही ज़्यादा चिल्लाता था बहुत ही ज्यादा खुशी से चिल्लाता था जब बारिश की पहली बूंद वरानंदा को टच करती थी द स्केंट ऑफ द फ्रेश अर्थ पास और धरती की जैसे मिट्टी की खुशबू आती है ना जब बारिश आती है तो मिट्टी की खुशबू भी कहां से आती थी मिट्टी की भी खुशबू आती थी जब बारिश आती थी ही वुड स्टार्ट रॉयरिंग विद प्लेजर वो खुशी से बहुत ज्यादा चीखना शुरू कर देता था चिल्लाना शुरू कर देता था द विंड वुड कैरी द रेन इन टू वरानंदा और जो हवा थी वो बारिश की बूंदों को वरांधा के अंदर ले जाती थी एंड हैरल्ड वुड स्प्रेड आउट हिज विंग्स एंड डांस टम्बलिंग अबाउट लाइक सर्कस क्लाउन और जैसी ये बारिश की जो बूंद होती थी हवा जब इनको अंदर ले आती थी तो हैल्ड क्या करता था अपने विंग्स को फैलाता था, था और एक सर्कस के जोकर की तरह टंबल करना और डांस करना शुरू कर देता था माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड आई वुड कम आउट ऑन द दरानदा एंड शेयर हिज हैप्पीनेस और वो जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स और आई मतलब नरेटर जो है उसकी खुशी को शेयर करने के लिए वहां पर आते थे मैनी ईयर्स लेटर कुछ साल बाद आई स्टिल मिस हैरल्स अच्छा वो कहता है कि इतने साल हो गए वो आज भी हेरल्ड की वो बाग वो बैंगिंग वो सारी चीज़ें जो अपनी चोट से निकालता था वो उन सब को मिस करता है कौन मिस करता है राइटर मिस करता है इफ़ देअर इज़ अ हेवन अगर कहीं पर स्वर्ग है गुड हॉर् हॉर्नबिल्स का जो कहीं पर अगर गुड हॉर्नबिल्स का स्वर्ग है आई सिंसियरली होप ही इज़ गेटिंग ऑल समर शावर्स ही कुड विश फोर तो जितनी भी समर शावर हैं वो उसे मिलें उसे इसी तरह टेनिस बॉल को वो कैच करता हो वो खेलता हो तो यहाँ पे जो ये राइटर है ये प्रे कर रहा है कि अगर कहीं पर स्वर्ग है तो वहाँ पर हॉर्नबिल बहुत खुश हो समर इन्जॉय कर रहा हो बारिश इन्जॉय कर रहा हो और इसी तरह से जैसे ट्रॉनिस बॉल के, कैच करता था उसी तरह से कैच कर रहा हो वो आज भी उसको मैनीयर्स लेटर बहुत साल बाद भी उसको हेरल्ड को मिस करता है ओके होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें थैंक यू सो मच